हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और हम आपको पढ़ा रहे थे न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत मैंने आपको न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का इंट्रो पढ़ाया और मैंने आपको उसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में ऑलरेडी 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और मैं आज पढ़ाऊंगी आपको विटामिन। ठीक है, हम लोग विटामिन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये विटामिन है, इसकी खोज किसने की? ठीक है, तो इसकी खोज आप देख रहे हैं हॉपकिंस, इनका नाम था हॉपकिंस। सन 1929 में इन्होंने जो है विटामिन की खोज की। और जो ये आप विटामिन नेम देखते हैं, ये किसने दिया है, अक्सर आपके प्रश्न में पूछता है। तो इसको फंक ने दिया था सन 1912 में। कब दिया था? 1912 में। अब जो विटामिन होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना। कुल मिला के ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है बहुत सारी बीमारियों से। ठीक है, अब विटामिन जो है वो करता क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन जो है वो कितने प्रकार का होता है। विटामिन यहाँ आप देख रहे होंगे, ये 2 प्रकार का होता है, एक फैट सॉल्वेंट होता है, एक वाटर सॉल्वेंट होता है। तो जो आपका फैट सॉल्वेंट है, ये है विटामिन ए डी ई के, और दूसरा है वाटर सॉल्वेंट, ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं। और मैंने हायर के पेपर में 2014 में इस चीज को देखा था, उसमें आपका क्वेश्चन आया था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल नाम आपको याद होना चाहिए, ए डी ई के, और जल में बी और सी। ठीक है, अब देखिए, आपके भी मन में एक प्रश्न उठता होगा कि मैम ये पढ़ा रही है विटामिन, तो जितने नए बच्चे होते हैं जो बहुत एग्जाम नहीं दिए हैं, अभी वो ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, लेकिन क्या है वो अभी किसी एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो उन बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, अगर कोई टॉपिक है तो वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पुट होंगे, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जितने भी हमारे विटामिन है, इसका जो केमिकल नेम है, ठीक है, जैसे विटामिन ए हम आज पढ़ेंगे, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी विटामिन हैं उनका केमिकल नेम क्या है, आप ऐसे ना एक चार्ट बना लें अपनी कॉपी पे। ठीक है, वहां पे विटामिन, जो भी विटामिन है उसका नाम लिखिए, इसका केमिकल नेम लिखिए, और इससे होने वाली जो भी डिजीज है वो आप जो है ऐसे करके 1 2 3 4 करके अपना जो है लिख डालिए कॉपी में। ऐसे क्या होगा ना, आपको चीजें जो है वो याद हो जाएंगी अच्छे से। तो एक तो ये आ गया आपका प्रश्न जो है कि कौन सा फैट सॉल्वेंट है, कौन सा वाटर सॉल्वेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है वही केमिकल नेम वाला। तीसरा टाइप्स हो गया। अब नेक्स्ट है फंक्शन, कि जितने विटामिन है इनका हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। तो फंक्शन से भी प्रश्न जो है वो उठते हैं, और अक्सर आप नेट के पेपर में देखेंगे बहुत सारा काम दे देता है कि बहुत सारा मतलब कार्य दे देगा, और सारे विटामिन का भी इसमें मिक्स कर देगा, और साथ में को दे देता है कि विटामिन ए के क्या क्या काम है। तो हमको बहुत अच्छे से एक एक विटामिन जो है वो क्या हमारी बॉडी में क्या काम करता है उसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि उसके क्या क्या सोर्स है, यानी उसकी प्राप्ति के क्या क्या स्रोत है, क्या क्या चीजें हम अपनी डाइट में लेंगे तो हमको विटामिन ए जो है वो अच्छी मात्रा में मिलेगा। ठीक है, फिर एक जगह से क्वेश्चन होता है लैक ऑफ दिस विटामिन, यदि इस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, यही से जो है कुल मिला के आपके प्रश्न उठते हैं। तो ये जो हमारा विटामिन है, ये अगर स्रोत की दृष्टि से, सोर्सेस की दृष्टि से देखेंगे तो ये हमको 2 जगह से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला है हमारा जंतु जगत, और दूसरा है वनस्पति। ठीक है, तो हमको जो भी खाद्य पदार्थ जंतु जगत से प्राप्त होता है उसको हम रेटिनॉल के अंतर्गत ले आएंगे, और जितना भी हमको वनस्पति जगत से प्राप्त होता है वो कैरोटीन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अब रेटिनॉल जो है क्या है, इसमें क्या है, इसमें जितने भी आपके सोर्सेज हैं वो कलर के हिसाब से देखेंगे तो वहां पे येलो येलो चलेगा,
और कैरोटीन जो है वो डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। तो अब जितने सोर्स है हमको सोर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से हमको विटामिन ए मिलता है। तो सोर्स के आधार पे हम देखेंगे, तो पहले तो हमको ये रेटिनॉल वाला जो हमको जंतु जगत से प्राप्त हो रहा है इसके बारे में देखेंगे। तो जितने भी आपके जंतु जगत से प्राप्त जितने भी मिल्क होते हैं, ठीक है, वो पाउडर वाला मिल्क हो या कोई भी मिल्क हो, प्लस आपको कॉड लिवर ऑयल जो होता है उससे मछली के यकृत का जो तेल होता है, ठीक है, वैसे ही शिप का, गोट का, सबका जो लिवर का जो पार्ट होता है वो जो है वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। और इसके सिवाय बटर, घी, एग योक, ठीक है, एंड मिल्क पाउडर, वो क्या है आपके रेटिनॉल के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, आपको सोर्स याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैरोटीन। तो कैरोटीन जो है ये हमको वनस्पति जगत से मिल रहा है। अब वनस्पति जगत से आप एकदम दिमाग में बैठाइए इस चीज को कि जितने भी सोर्स हैं वो लाल और पीले रंग की जितनी भी सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर, आम, ठीक है, पपीता, उसके बाद आपका कद्दू, पम्पकिन, ये सारी चीजें या ग्रीन लीफ वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं वो आपके बहुत अच्छे विटामिन ए के सोर्स होते हैं, ठीक है। विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स मैंगो, आम, ठीक है, रिचेस्ट सोर्स है वो। तो हमको ये सारी चीजें याद करनी होगी, मैंने आपको सोर्स बता भी दिया, और आप जो भी न्यूट्रिशन की बुक पढ़ते होंगे उसमें आप बुक उठा के और भी सोर्स अपना अच्छे से देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था बुक उठाने की आदत आप लोग डाल लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, अब इसका काम क्या क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर किस किस चीज के लिए ये हमें जरूरी है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉर्मल स्केलेटन डेवलपमेंट, यानी नॉर्मल स्केलेटन डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन ए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान देता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द स्वेत ग्लैंड, यानी हमारी जो स्वेत ग्रंथियां होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास विटामिन ए होना चाहिए। फिर है हेल्दी ग्लोइंग एंड सॉफ्ट स्किन, यानी हेल्दी स्वस्थ और क्या है सुंदर चमकती हुई जो त्वचा का राज होता है वो भी क्या है विटामिन ए है। यदि हम इसके जो सोर्सेज है उसको हम अच्छे से अपने डाइट में शामिल करते हैं तो उससे हमारी त्वचा भी जो है क्या है वो स्वस्थ है, सुंदर और चमकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर फॉर्मेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, यानी क्या करता है ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू को अच्छे से फॉर्मेट करने का भी काम करता है, फॉर्मेशन उसको बनाने का करता है, ठीक है। फिर द विटामिन आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर विजन, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट काम यदि हम विटामिन ए का देखें जहां से हमसे प्रश्न पूछता है वो होता है विजन से रिलेटेड, आपकी जो बीमारियां पूछता है ना वो भी उसके जो स्टेप्स लगाने को देखते होंगे आपने, मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए, वो भी जो है इससे पूछता है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से देखा जाए तो विजन के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और आंखें ना हो तो इंसान क्या है कुछ भी नहीं देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ दिस विटामिन लीड टू इम्पेयर विजन इन डिम लाइट, यानी यदि किसी व्यक्ति को इस विटामिन की कमी हो जाती है तो वो क्या है वो कम लाइट में देख नहीं सकता है, ठीक है। नेट के पेपर में यहाँ से प्रश्न उठता है बिल्कुल, आप जो इसका लैक ऑफ विटामिन है या फिर क्यों ये आवश्यक है ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो देखिए ये यही से है, पहला है कि ये क्यों जरूरी है, सामान्य दृष्टि के लिए, हमारी विजन के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एपिथीलियम ऊतकों के एकीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षक अनुक्रिया करता है, यानी हमारी बॉडी को क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा है एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना, ये नेट के प्रश्न है। और मैं आप लोग से पहले भी कह चुकी हूँ कि आप लोग भी क्या है प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो उठा के देखिए कि क्या क्या प्रश्न इससे उठ रहे हैं, ठीक है। मैं तो देखती हूँ लेकिन आपको भी देखने की जरूरत है क्योंकि आप भी कंपटीशन दे रहे हैं और ये सारे प्रश्न आप सबके सामने भी आएंगे, इसलिए क्या है इससे जो भी प्रश्न उठता है वो हमको देखना है। तो ये क्यों क्यों जरूरी है ये हमने आपको बता दिया, सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, फिर एपिथीलियम ऊतकों के एकीकरण के लिए जरूरी है, नेक्स्ट है प्रतिरक्षक अनुक्रियाएं करता है, फिर एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाए रखता है, इतना काम करता है विटामिन ए हमारी बॉडी में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाले परिवर्तनों के विकास के चरण को क्रम से लिखिए, आप
एक साल छोड़ के नेट का पेपर उठा के कोई भी देखिए, उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा, घुमा फिरा के ये प्रश्न जो हर बार आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करना होगा। तो इसका जो चरण है, सबसे पहले उसमें रतौंधी होगी, उसके बाद सेकेंड सिम्टम है बाइकार्ड स्पॉट, तीसरा है कंजक्टाइवल जीरोसिस, फिर चौथा है कॉर्नियल जीरोसिस और पांचवा है केरेटो मलेशिया। ये आपको याद करना पड़ेगा, किसमें क्या होता है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बुक्स उठाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उसको देखिए। फिर यहाँ पे लिखा है रेटिनॉल और कैरोटीन का रेशियो पूछा था नेट में 2019 वाले में जून में। तो क्या होता है, ये क्या है, जंतु जगत से प्राप्त है, ठीक है, ये जो रेटिनॉल है, और कैरोटीन क्या है, वनस्पति जगत से प्राप्त है। तो यदि इसको, इसका हमको एक में ही काम चल जा रहा है तो हमको इसके चार, क्योंकि वनस्पति जगत से प्राप्त है तो इसका रेशियो पूछ देता है, ठीक है। तो 1:4 होता है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन इससे उठता है। और आरडीए टेबल 2010 आप सबको याद करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं याद है तो, क्योंकि मैंने देखा है नेट के पेपर में इस चैप्टर से आरडीए टेबल से दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। लेकिन क्या करता है, कभी कभी अविटामिन उसके अंतर्गत ही आ गया ना, तो उसमें भी पूछ देता है कि किसको कितना थायमिन देना चाहिए, देखिएगा पेपर उठा के। तो क्या है, आपको पूरा वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को जो एग्जाम दे रहा है उसको आरडीए टेबल 2010 बिल्कुल मस्ट है, उसको याद होना चाहिए। ये था हमारा विटामिन ए, इसमें हमको टाइप्स पढ़ना था, हमको फंक्शन पढ़ना था, इसके क्या क्या सोर्स है, इसकी कमी से क्या क्या रोग होंगे, इसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, किस किस तरह के प्रश्न आएंगे मैंने वो भी आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो आपका रेटिनॉल है, अगर कलर के हिसाब से देखेंगे तो ये येलो, और कैरोटीन जो है वो डार्क रेड कलर का, जितने भी आपके सोर्सेज होंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको ये चीजें आपको पढ़नी होगी और आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये मैंने लिखा है ना, विटामिन सुरक्षा प्रदान करता है, पूछ देता है कि शरीर का सुरक्षात्मक तत्व तो कौन सा होता है, तो कौन होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। तो यही था विटामिन ए, आगे नेक्स्ट जो भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगी उसमें आगे के विटामिन को मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तब तक के लिए आप विटामिन ए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए कि विटामिन ए से क्या क्या प्रश्न उठे हैं, और जितने भी विटामिन आप देख रहे हैं इसमें से मैक्सिमम से क्वेश्चन उठते हैं, विटामिन डी से भी क्वेश्चन उठता है, ई से भी, के से भी, तो आपको सारे के बारे में पता होना चाहिए। स्पेशली मैंने आपको बता भी दिया है कि क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, कम समय में हमें सारी चीजें तैयार करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर बनाऊंगी और फिर उसमें आगे मैं विटामिन के बारे में आगे बढ़ूंगी और बताऊंगी आप सबको। और आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, थैंक यू।